लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का सबसे चर्चित नाम, जो कि एक गैंगस्टर है। एक तरफ वो भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है तो दूसरी तरफ उसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लोग बताते हैं कि ये शुरू से ही ऐसा नहीं था, एक नॉर्मल सा लड़का था जिसको स्कूल लाइफ में एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसका नाम हम इस वीडियो में मेंशन नहीं कर सकते। दोनों साथ में पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पिता जो है पुलिस में थे और उनके पास करोड़ों की जमीन थी, तो रॉयल लाइफ जीने की इसकी आदत थी। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए सोपू नाम के एक संगठन को भी बनाया, जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी में सक्रिय है। दोस्तों, चुनाव लड़ा लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन चुनाव हार गया। इसके बावजूद भी वो अपना दबदबा बनाना चाहता था। जीते हुए पार्टी और इसके बीच जो है झड़पें होती रहती थी, और एक बार अपोजिट पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को ही टारगेट बना लिया। बात है 2011 की, दोनों पार्टीज के बीच, दोनों ग्रुप्स के बीच झड़प होती है और अपोजिट पार्टीज लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को ही टारगेट बना के उनको जिंदा जला देते हैं। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है और आज लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, जो कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, जो जेल में बैठे बैठे बहुत सारे मामलों को सॉल्व करता है। लॉरेंस बिश्नोई आज जो है क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है, और उसको देख के बहुत सारे युवा जो है अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं और अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटकने लगे हैं। आपकी क्या राय है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।